वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ द लेसन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. इन द प्रीवियस सेशन वी हैव लर्न अबाउट मिनरल्स, टाइप ऑफ मिनरल्स एंड इट्स ऑकरेंस. एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज. एज वी हैव लर्न दैट एनर्जी रिसोर्सेज आर ऑफ टू types, conventional and non-conventional. In this session we are only going to learn about what are conventional source of energy. So let's start our session. Conventional source of energy मतलब परंपरागत ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहला आता है हमारा कोल. अभी कोल जो है ये हमारा सबसे परंपरागत क्या है, संसाधन है, एनर्जी रिसोर्सेज है, जिसका हम काफी लंबे समय से क्या करते आ रहे, यूज करते आ रहे हैं. अभी कोल जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है हमारे इंडिया में. मतलब जितने भी फॉसिल फ्यूल है उसमें सबसे ज्यादा जो अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है वो कौन सा है, कोल है. एंड कोल इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. अभी कोल का यूज किया जाता है पावर को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. कोल के बहुत सारे यूजेस है. कोल का यूज हम घर पे भी करते हैं. कोल का यूज जो है रेलवे वगैरह में इंजन्स जो है चलाने के लिए भी किए जाते हैं. ओके, कोल के जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. अभी अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें कोल की, तो कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स मटेरियल. इसकी फॉर्मेशन जो है मतलब ये प्लांट्स मटेरियल के जो कंप्रेशन है उसके कारण कोल की फॉर्मेशन होती है. और इस प्रोसेस को बहुत सारा टाइम लग जाता है, मतलब इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स. ओके, यहाँ पे मतलब प्लांट्स मटेरियल इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ कोल. मतलब कोल जो है वो प्लांट्स मटेरियल से बनता है. प्लांट मटेरियल जब हमारे मतलब अर्थ के अंदर दब जाते हैं और बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कारण जो कंप्रेशन है उसके कारण वो किस में फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, कोल में फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं. अगर आगे हम देखते हैं कि डिपेंडिंग ऑन डिग्री ऑफ कंप्रेशन, अगर हम कंप्रेशन की डिग्री देखते हैं मतलब कंप्रेशन का कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा हीट और टेम्परेचर उस मटेरियल के ऊपर पड़ रहा है जिसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोल में कन्वर्ट हो रहा है, तो और उसकी डेप्थ देखते हैं कि उसकी गहराई कितनी है और उसका टाइम भी देखते हैं, मतलब कितने टाइम हो गया है उसको बरियल हुए. ओके, टाइम ऑफ बरियल भी यहाँ पे देखा जाता है. तो ये सारी चीज़ों अगर हम इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं तो हम कोल को फोर वराइटीज में डिवाइड करते हैं. कोल की कितनी वराइटीज है, फोर वराइटीज है. सबसे पहले आ जाता है हमारा पीट कोल. पीट कोल जो है उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है. मतलब पीट कोल में लो कार्बन कंटेंट होता है और इसके अंदर हाई मॉइस्चर होता है. ठीक है, कोल को हम मेनली किससे बता सकते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, वो किसके कारण बताते हैं, हम कार्बन कंटेंट के बारे के कारण बताते हैं. मतलब पीट में लेस देन 60% क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है, लेस देन 60%. और ये इसमें लो कार्बन कंटेंट होता है जिसके कारण ये क्या है, इसके अंदर हाई मॉइस्चर है और जिसके कारण ये बहुत ही लेस एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है. यहाँ से इस पीट के यूज करने से बहुत ही लेस क्वांटिटी में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, बिकॉज इसके अंदर हाई मॉइस्चर होता है और कार्बन कंटेंट भी बहुत ज्यादा कम होता है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिग्नाइट. लिग्नाइट भी एक लो ग्रेड ब्राउन कोल है. मतलब ये कैसा कलर का है, ब्राउन कलर का कोल है. इट इज वेरी सॉफ्ट और ये कोल बहुत ही सॉफ्ट होता है और इस कोल के अंदर भी मॉइस्चर जो है, हाई जो मॉइस्चर है वो इसके अंदर भी पाया जाता है. दैट्स व्हाई
इग्नाइट भी कैसी ग्रेड में आ जाता है? लो ग्रेड में भी आ जाता है, मतलब सबसे लो ग्रेड हो गया हमारा पीट, देन सेकेंड नंबर का हमारा हो गया लिग्नाइट। ओके, लिग्नाइट में अबाउट 60-70% कार्बन कंटेंट होता है, 60-70% क्या होता है कार्बन कंटेंट होता है। फिर हमारा आ जाता है बिटुमिनियस, बिटुमिनियस मतलब ये क्या है, ये एक मेटलर्जिकल कोल है। मेटलर्जिकल कोल का मतलब क्या होता है, ये एक हाई ग्रेड का कोल है जिसे हम वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। मोस्टली जो है आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये एक हाई ग्रेड कोल है फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस, मतलब इन इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है फॉर स्मेल्टिंग आयरन। ओके, ये हमारा बिटुमिनस कोल है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो अबाउट 70-90% होती है, 70% to 90%। इसमें कार्बन कंटेंट होता है और हमारा सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल होगा वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोल होता है। इसमें कार्बन जो कंटेंट होता है वो 92-98% होता है और इस कोल का बहुत मतलब वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कोल और उसकी टाइप्स, कोल की कौन कौन सी टाइप्स है। आपको पता है ये कोल एक फॉसिल फ्यूल है जिसका हम वेरियस पर्पजेज के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। कोल जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए एक बैकबोन की तरह है, मतलब ये हमारी मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है पहले वो किसके ऊपर डिपेंड है, कोल के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम करेंगे ऑकरेंस ऑफ कोल की, मतलब कोल जो है वह कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो कोल का जो ऑकरेंस है डिपेंड्स ऑन रॉक सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, मतलब कोल जो है दो जियोलॉजिकल एजेस की रॉक सीरीज में ऑकर हुआ है। हमारी जो सबसे पुरानी जो रॉक सीरीज है वो है गोंडवाना कोल, मतलब हमारा जो गोंडवाना आपको पता ही है सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक है वो हमारी कौन सी है, गोंडवाना रॉक है। तो वहां पे जो पाया जाने वाला कोल है उसे हम क्या कहेंगे, गोंडवाना कोल कहेंगे। अभी इस कोल का जो फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्म्ड ओवर 2000 मिलियन इयर्स अगो, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2000 मिलियन इयर्स अगो, मतलब ये कोल इतना पुराना है। तो ऑटोमेटिकली जितना ज्यादा पुराना होगा वो उतना ही क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। और इसके जो मेजर सोर्सेज है वो कौन से हैं, दामोदर वैली जो है वो इसके क्या है, मेजर सोर्सेज है, मतलब ओडिशा झारखंड जो बेल्ट है तो उस एरिया में कोल जो है वो बहुत ही एबंडेंट फॉर्म में मिलता है। और कौन सा कोल मिलता है वहां पे, गोंडवाना कोल पाया जाता है। देखो हमने इसको दो एजेस में डिवाइड किया, एक तो है गोंडवाना कोल और एक है टर्शरी कोल, ये दो एजेस है। नेक्स्ट इसके और दूसरे जो प्रोड्यूसिंग एरिया है जैसे कि झारिया, रानीगंज है, बोकारो है, ये जो है मेजर कोल फील्ड्स है हमारे इंडिया में। इंडिया की जो मेजर कोल फील्ड्स कौन कौन सी है, झारिया, रानीगंज एंड बोकारो, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल कंटेंट जो है निकाला जाता है। इसके अलावा भी कोल कुछ एरिया में पाया जाता है जैसे कि गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज, इन घाटियों में भी, इन वैलीज में भी कोल पाया जाता है। बट इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है मोस्टली कहाँ पे है, दामोदर वैली में इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का कोल पाया जाता है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा एज आता है वो है टर्शरी कोल। टर्शरी कोल जो है वो अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। MY का मतलब क्या है, मिलियन ईयर्स ओल्ड। ओके, ये अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये देखो ये जो है ओवर 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 2000 मिलियन ईयर्स पहले
और ये कितना पुराना है, ओनली 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। अभी ये जो टर्शरी कोल है ये मोस्टली नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, इस स्टेट्स में पाए जाने वाला जो कोल है वो कौन से एज का आ जाता है, टर्शरी कोल की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट अगर हम कुछ इसके पॉइंट्स हमें रिमेम्बर करने हैं, वो पॉइंट्स क्या है कि कोल जो है एक बल्की मटेरियल है। बल्की मटेरियल का मतलब क्या होता है, हैवी मटेरियल है। ओके, तो कोल के बारे में हम पहले भी 8th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं कि ये कैसा है, बल्की मटेरियल है। आपने देखा होगा मोस्टली जितनी भी कोल से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है वो कोल फील्ड के पास वाले एरिया में ही सिचुएटेड है। इसके पीछे भी एक रीजन है क्यों है, बिकॉज कोल जो है वो बल्की मटेरियल है, बहुत हैवी है। जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो टाइम के साथ साथ उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब टाइम के साथ उसका वेट कम हो जाता है। ओके, और वेट कम होने के कारण क्या होता है, लॉस होता है। इसीलिए मोस्टली जितनी भी हमारी हैवी इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कोल्ड फील्ड के आसपास के क्षेत्र में लोकेटेड है, उसी एरिया में लोकेटेड है। तो हम फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है कि कोल्ड इज अ बल्की मटेरियल, ये बहुत ही हैवी मटेरियल होता है जिसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। नेक्स्ट इट लूजेस वेट ऑन यूज, जब हम इसका यूज करते हैं तो इसका वेट क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है। और आपने देखा होगा जब कोल पूर्ण रूप से बर्न हो जाता है, एक तो कोल का वेट है और जब हम इसको यूज कर लेते हैं जो एशिज बचती है उसका वेट है, उन एशिज का वेट बहुत कम होता है। तो कोल क्या करता है, इट लूजेज इट्स वेट ऑन यूज, और टाइम के साथ भी इसका वेट कम हो जाता है। अभी दैट्स व्हाई मोस्टली द हैवी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द कोल्ड फील्ड्स। मतलब जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज है या थर्मल पावर प्लांट्स है, स्टेशन है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, नियर कोल्ड फील्ड जो है लोकेटेड है। बिकॉज जो कोल होता है, कोयला होता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है और जैसे उसको काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है टाइम के साथ साथ। तो ये हो गया हमारा ऑकरेंस ऑफ कोल और कुछ हमारे पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। अभी हमने कोल के बारे में तो पढ़ लिया, कोल कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये नॉन रिन्यूएबल है और ये एग्जॉस्टेबल है, मतलब एक बार यूज करने के बाद क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम नोन एज मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम जिसे हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं, लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड, काला सोना जिसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। मतलब इसमें से अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको निकाला जाता है। ये हमारा कोल जो था ये फर्स्ट हाईएस्ट एनर्जी रिसोर्सेज यूज्ड इन इंडिया है, ये हमारा क्या है, सेकंड हाईएस्ट एनर्जी रिसोर्स है। ओके, पेट्रोलियम जो है कोल के बाद हम सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, पेट्रोलियम का करते हैं। अभी असम जो है इज द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। आपको पता है कि असम की जो डिगबॉय जो हमारी ऑयल रिफाइनरी है वो एशिया की सबसे फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी है। तो असम क्या है, इज द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ पेट्रोलियम। अभी पेट्रोलियम से कौन कौन से प्रोडक्ट्स डिराइव किए जाते हैं, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं पेट्रोलियम से, सबसे पहले आता है हमारा ऑयल, फिर इसमें डीजल, पेट्रोल, देखो ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, लुब्रिकेंट है, वैक्स है,
एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो किससे डिराइव किए जाते हैं, पेट्रोल से डिराइव किए जाते हैं, प्लास्टिक है वो भी पेट्रोल से डिराइव किया जाता है। तो पेट्रोल को इसीलिए हम क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इट एक्ट्स एज नोडल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम कैसे एक्ट करती है, एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, मतलब जितने भी सिंथेटिक फाइबर है या सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पे किसका यूज किया जाता है, पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर है या जो इंडस्ट्रीज है वहां पे भी पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री है, लुब्रिकेंट इंडस्ट्री है, हर इन इंडस्ट्रीज में मोस्टली एबंडेंटली हम किसका यूज करते हैं, पेट्रोलियम का यूज करते हैं। मतलब पेट्रोलियम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स। अभी हम करेंगे ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो कहाँ कहाँ ऑकर होता है, मतलब ये कहाँ पे पाया जाता है। सबसे पहले देखें तो पेट्रोलियम क्या है, इज एसोसिएटेड विद एंटी लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स ऑफ टर्शरी रॉक। जो हमारी टर्शरी रॉक होती है, नॉट गोंडवाना, कौन सी रॉक है ये, टर्शरी रॉक है। तो हमारी जो टर्शरी रॉक होती है उसमें कुछ फॉल्ट ट्रैप्स होते हैं। फॉल्ट ट्रैप्स का मतलब कुछ दरारें होती है जहां पे हमें क्या मिलते हैं, पेट्रोल मिलता है, और एंटी क्लाइंस होती है उनके अंदर भी पेट्रोल पाया जाता है। इन एंटी क्लाइन फोल्डिंग और डोम रीजन ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड। अगर हम बात करें एंटी क्लाइन की तो इसके अंदर क्या होती है, जो फोल्डिंग्स होती है, आपको पता ही है रॉक्स की लेयर है कुछ जैसे फोल्ड माउंटेन्स कैसे, तो उसी तरह रॉक्स की जो फोल्डिंग होती है या फिर डोम रीजन होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, क्या होता है, इन फोल्डिंग्स के अंदर ऑयल ट्रैप्ड हो जाता है इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड, मतलब हर एक फोल्ड के अंदर क्या है ये ट्रैप हो जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑयल बियरिंग लेयर, ये बियरिंग है, द ऑयल बियरिंग लेयर मतलब जिस लेयर में ऑयल होता है, ओके, इज अ पोरस लाइमस्टोन। पोरस का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्टोन होते हैं, लाइमस्टोन है जिसके अंदर क्या मिलते हैं, छेद मिलते हैं, तो हम उस चीज को क्या कहेंगे, पोरस कहेंगे। मतलब कोई भी रॉक है जिसमें बहुत सारे छेद मिलेंगे, छिद्र मिलेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, पोरस कहेंगे। तो जो ऑयल बियरिंग लेयर है वो किस में मिलती है, पोरस लाइमस्टोन में एंड सैंडस्टोन में, जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। और जो फॉल्ट ट्रैप्स होते हैं, फॉल्ट ट्रैप्स के अंदर पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है, पोरस रॉक्स एंड नॉन पोरस रॉक्स में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। अगर आगे अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम कौन कौन से रीजन में मिलता है, कौन कौन से एरिया में मिलता है, तो इसका जो लीडिंग पेट्रोलियम के हमारे पास तीन ही एरिया है, आसाम, गुजरात, एंड मुंबई हाई। आसाम, गुजरात एंड मुंबई हाई। अगर देखो तो हम ऐसे लोकेट करते हैं तो आपको पता ही है जो आसाम है मतलब इस ए टाइप में है, हमारा जो आसाम है वो कैसे है, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे बिल्कुल इस साइड में, तो आसाम का जो ये एरिया है जहाँ पे डिगबोई, नहार काटिया, ओके, इस एरिया में क्या है, पेट्रोल का कॉन्सेंट्रेशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे ये महाराष्ट्र है तो ये मुंबई हाई है यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर वहां पे, और गुजरात की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे अंकलेश्वर जो एरिया है, वाकलोल है, अंकलेश्वर है, तो इस एरिया में क्या किया होता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। मतलब अगर हम इसे मैप पे डिनोट करें तो हमें सिर्फ तीन ही एरिया याद रखना है, गुजरात, मुंबई हाई एंड असम। और असम में भी बिल्कुल ईस्टर्न एरिया में है, ओके। तो असम में कहाँ कहाँ पे है, डिगबोई, नहार काटिया, डिगबोई है,
करण जो एरिया है वहां पे मिलता है। गुजरात का जो मेन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है वो क्या है, अंकलेश्वर। और मुंबई हाई कहां पे है, महाराष्ट्र के पास में है। ओके, मुंबई के पास में है, मुंबई से अबाउट 50 किलोमीटर होगा ये। तो वहां पे अरेबियन सी में है, ये बिल्कुल मुंबई से थोड़ा सा आगे चलकर ही है। तो ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम एरिया है जहां से पेट्रोलियम प्रोड्यूस किया जाता है, डिराइव किया, जहां से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अभी नेक्स्ट हमारा कन्वेंशनल सोर्स में हमारा आ जाता है नेचुरल गैस, क्योंकि हम कन्वेंशनल सोर्स में कौन सी चीजें कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्सेज में फॉसिल फ्यूल ही ओनली आते हैं, और फॉसिल फ्यूल में हमारे होते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अभी हम करेंगे हमारा नेचुरल गैस, आपको पता है नेचुरल गैस जो है कोल और पेट्रोलियम से बहुत ज्यादा क्लीन होती है, इनसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है बहुत ही ज्यादा। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज्यादा कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो ये किस में आ जाती है, ये गैसेस में ही आ जाती है। तो नेचुरल गैस इज अदर इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स। नेचुरल गैस जो है वो बहुत ही क्लीन, इट इज अ क्लीन एनर्जी रिसोर्स। क्लीन एनर्जी रिसोर्स है ये, बहुत ही क्लीन है। और जब हम इसको बर्न करते हैं तो यहाँ से जो कार्बन निकलता है वो बहुत ही बहुत बहुत कम क्वालिटी का कार्बन या पॉल्यूटेंट इसमें से निकलता है, मतलब इट गिव्स वेरी लिटिल कार्बन, वेरी लिटिल कार्बन एंड पॉल्यूटेंट। जब हम इसे बर्न करते हैं, यूज करते हैं ऑन बर्निंग, सॉरी, जब हम इसे यूज करते हैं तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में कार्बन और पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अगर हम इसकी कंपेयर करें, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कंपेयर विद कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम से जब हम इसे कंपेयर करते हैं, इट बर्न्स वेरी लो एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, मतलब इसमें से जो हार्मफुल गैसेस आती है वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, इट बर्न्स वेरी लो, इट बर्न्स वेरी लो एमिशन। एमिशन का मतलब है किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद जो भी गैस वहां से एमिट होती है, निकलती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एमिशन कहेंगे ऑफ हार्मफुल गैसेस। हार्मफुल गैसेस एंड अदर पॉल्यूटेंट्स। क्लियर, मतलब नेचुरल गैस है ये, बहुत ही क्लीन है अगर हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, कोल और पेट्रोलियम से। अभी हम देखेंगे कि इसके जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया कौन कौन से हैं। तो मेजर जो प्रोड्यूसिंग एरिया है, ऑफशोर,
प्रोड्यूसिंग, अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं या प्रोड्यूसिंग रीजन की बात करते हैं, तो पेट्रोलियम मोस्टली कौन से रीजन में मिलता है हमें? ऑफशोर रीजन ऑफ कृष्णा गोदावरी वैली। मतलब ये हमें कहाँ पे मिल रहा है? कृष्णा गोदावरी वैली में मिल रहा है, बेसिन में मिल रहा है। यहाँ से लार्जेस्ट फॉर्म में मतलब क्या निकाली जा रही है? नेचुरल गैस। मतलब कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वो क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? नेचुरल गैस का है। इसके अलावा है मुंबई हाई। अभी आप सभी को पता है कि जहां पे भी पेट्रोलियम होगा वहां पे नेचुरल गैस जो होती है वो पेट्रोलियम के ऊपर ही ऑकर होती है, क्लियर। तो इसीलिए जो जितने भी पेट्रोलियम फील्ड्स है तो वहां पे क्या मिलेगी हमें? नेचुरल गैस भी मिलेगी। मुंबई हाई है, गल्फ ऑफ कॉम्बे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? नेचुरल गैस मिलती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, क्लियर। तो ये हमारे क्या है? प्रोड्यूसिंग एरिया है किसके? नेचुरल गैस के है। अभी आप सभी को पता है कि हम इन एनर्जी रिसोर्सेज का यूज मोस्टली कई बार किसके लिए किया जाता है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसे हम दो तरीकों से जनरेट करते हैं, एक तो है रनिंग वाटर से, दूसरी है फॉसिल फ्यूल्स का यूज करने से। ओके, तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रिसिटी को हम टू टाइप्स में जनरेट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारा रनिंग वाटर, क्लियर। अब इसमें क्या होता है? जो रनिंग वाटर होता है वो क्या करता है? ड्राइव करता है किसको? हाइड्रो टर्बाइन को। किसमें? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में। हाइड्रो टर्बाइन इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। मतलब पानी से, वाटर, वाटर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो बोलते हैं। ओके, H2O जिसमें होता है। तो रनिंग वाटर जो है वो क्या करता है? हमारी जो हाइड्रो टर्बाइन है उसको किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ओके, जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें क्या किया जाता है? जो फास्ट फ्लोइंग वाटर है और उसके अंदर जो करंट है, उस जब वो फास्ट फ्लोइंग वाटर जब टर्बाइन पे गिरता है तो वो उसको किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें हम क्या करते हैं? फ्यूल्स को बर्न करते हैं और उसको किस, और जो हीट निकलती है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अभी थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बिकॉज इसमें हम फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं और फॉसिल फ्यूल क्या है? हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है और जो नॉन रिन्यूएबल है। फास्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और ये कौन कौन से एरिया में मिलते हैं? जैसे कि हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुत सारे डैम्स वगैरह बनाए गए हैं, दामोदर वैली वाला है, और नेक्स्ट हमारा अगर हम थर्मल पावर प्लांट की देखें तो नए वैली है। तो इस टाइप के कुछ एरियाज है जहां पे इन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। इफ यू हैव एनी डाउट